दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कोई स्मार्टफोन खरीदना तो आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना चाहिए या ऑनलाइन मार्केट में जाना चाहिए। इन दो भागों में बटा हुआ है सारा ये स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बाज़ार है। इसके अंदर अगर बात करें आज तो हम दोनों ही पक्षों की बात करेंगे और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो में मेरी बातों से आप सहमत हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट पर जो फ़ायदों की। देखिए ऑनलाइन मार्केट पर कहा जाता है कि आपको ऑफलाइन मार्केट से कम प्राइस पर स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी है जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट की जगह पर ऑफलाइन मार्केट में भी फ़ायदा होता है। बहुत सारे सर्वे में ये कहा गया है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो अंतर है, जो प्राइस का अंतर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% से ज़्यादा नहीं होता है। ऑफलाइन मार्केट में आपको फ़ायदा ये है कि आप किसी भी डिवाइस को या किसी भी स्मार्टफोन को या किसी भी गैजेट को लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से उसे देखेंगे, बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूर से अगर आप सही से बार्गेनिंग करना आती है आपको तो निश्चित रूप से जो रिटेल डीलर है वो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से जो कम कीमत है वो कम ज़रूर करेगा। दोस्तों अगर ऑनलाइन मार्केट की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा है कि कई बार आपको अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती है। एक्सक्लूसिव जो स्मार्टफोन होते हैं, जो नए लॉन्च होते हैं, जो कंपनी द्वारा एक्सक्लूसिव किए जाते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे। दोस्तों ऑफलाइन मार्केट का नुकसान ये है कि कई बार जैसे कि छोटे शहरों में जो कस्बे हैं वहाँ पर जो कस्टमर है वो कई बार लूटे भी जाते हैं। उन्हें प्राइस का इतना ज्ञान नहीं होता है, वो कंपैरिजन नहीं करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च नहीं करते हैं। इस वजह से उन लोगों को 1 या 2 हज़ार रुपये का नुकसान होता है अगर वो 15 से 20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन खरीदते हैं। दोस्तों खास बात ये है कि ऑनलाइन मार्केट पर आपको एक फ़ायदा ये है कि आपको कैशबैक और बहुत सारे ऑफ़र जो कि कंपनी द्वारा दिए जाते हैं उसकी वजह से भी आपको वहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर एज़ कंपेयर अगर कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है, कोई एक्सक्लूसिव नहीं चल रहा है, तो लगभग प्राइस सेम टू सेम रहती है। जैसे कि ऑनलाइन मार्केट पर जो रेट है वही आपको ऑफलाइन में मिल जाएगी, सिर्फ 500 से 800 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन कंपैरिजन के हिसाब से आपको किस मार्केट में ज़्यादा जाना चाहिए, किस मार्केट को आप प्रायोरिटी देंगे, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक्सक्लूसिव में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाती है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे एमआई है, और इसके साथ ही बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कुछ डिवाइस को बेचती है, तो उस जगह पर ऑफलाइन मार्केट थोड़ा सा मात खा जाता है। लेकिन प्राइस की अगर बात करें तो कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है अगर आप ठीक से अच्छी जगह पर, खास करके देखा गया है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर और बड़े महानगरों के अंदर भी अगर स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट से भी कम रेंज में स्मार्टफोन मिल सकते हैं और भी डिवाइसों पर काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने भी यही कहा कि ऑनलाइन मार्केट से भी आपको ऑफलाइन मार्केट में कम प्राइस में भी कोई भी स्मार्टफोन मिल जाता है। दोस्तों देखिए तो यहाँ पर जो गाँव में हैं उन लोगों के लिए जो डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से ऑनलाइन मार्केट के अंदर अभी थोड़ी सी जो उठाव आना चाहिए वो नहीं आ पाया है, क्योंकि ऐसे कस्बों में जहाँ पर डिलीवरी नहीं है तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि ऑफलाइन स्मार्टफोन ही खरीदें। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर से आप लोगों के लिए बनाऊँगा। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।